अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोग मोबाइल जोन से तैयार रहमान बात कर रहा हूँ। दोस्तों हमारे पास ये फ़ोन आया है आज, नोकिया 150 इसका मॉडल है। इसका मसला ये है दोस्तों कि इसका कीपैड काम नहीं कर रहा है। इसके कीपैड पे मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाए हुए हैं और बहुत सारे ट्रिक्स दिए हुए हैं। इसका जो मैंने डाइग्राम भी बनाए हुए हैं वो आप हमारे दूसरे चैनल स्पोक मोबाइल जोन पे देख सकते हो। ओके, इस वीडियो में मैं आपको एक अलग से एक ट्रिक बताने वाला हूँ। ओके, ये देखो ये सारे बटन काम कर रहे हैं इसके, लेकिन ये इसका कॉल वाला बटन और ये डाउन अप और लेफ़्ट वाला बटन काम नहीं कर रहा है। अक्सर इसका जो है ना ये लाइन ड्रॉप हो जाता है। वजह ये कि इसका ये लाइन फर्स्ट नंबर के आईसी के फर्स्ट नंबर पिन पे है। फर्स्ट नंबर पिन ज़्यादातर जो है ना वो गिरने की वजह से उसका मसला हो जाता है। तो अक्सर क्या हो जाता है कि फ़ोन गिर जाता है वगैरह वगैरह। इसके ये देखो या इस पिन पे बिल्कुल जो है ना इसकी वैल्यू नहीं है, ये वायर के पॉइंट पे इसकी वैल्यू नहीं है। ओके, तो माइक्रोस्कोप में रख के आपको दिखाता हूँ ये कहाँ से कनेक्ट है। तो ये सारा लाइन की जो है ना ये चार बटन एक ही लाइन में कनेक्ट है जो कि फिर आके यहाँ से कनेक्ट है। ये आईसी की साइड पिन है, गिर जाती है तो साइड के पिन जल्दी से जो है ना ओपन हो जाते हैं, इसलिए ये मसला बन जाते हैं। तो ये फिर यहाँ से कनेक्ट है, ये आप देख सकते हो। यहाँ से यहाँ पे भी रीडिंग नहीं है, आप देख सकते हो। फिर आगे आके यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ तक किसी ने ट्रेस किया हुआ है, लेकिन आईसी के नीचे जो है ना उन्होंने काम नहीं किया। बहुत सिंपल सा ट्रिक है, मैं आज आपको बताने वाला हूँ, बगैर के रिस्क के जो है ना आप कर सकते हो। यहाँ पे भी रीडिंग नहीं है, इससे आगे फिर आईसी के फर्स्ट नंबर पिन से कनेक्ट है। ये भी मैं आपको दिखाऊँगा कि इस तरह कनेक्ट है। और ये अगर आप देखो तो आपस में कनेक्ट है, और ये पीछे के बटन से भी कनेक्ट है। ये देखो यहाँ से ये कनेक्ट है। ओके, तो ये पास में कनेक्ट है, पीछे के की से भी कनेक्ट है। या तो किसी ने स्क्रैच किया हुआ है लेकिन आगे का काम उसको नहीं आया तो मेरे पास इसको सेंड किया। तो ये देखो बहुत सैंपल सा है, सैंपल सा आपने जो है ना करना क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये माइक्रोस्कोप का जो है ना नीचे आपको जो है ना इसके बटन ये पॉइंट दिखाता हूँ। ये फर्स्ट नंबर जो पॉइंट है ये है इसके, इससे हमने जम्पर लेना है। ओके, तो आपने थोड़ा सा इसका अपने लिए मार्क करना है कि मैंने यहाँ इस लोकेशन पर जो है ना जम्पर मैंने इसके अंदर लगाना है। बस सैंपल सा अपने अपने लिए कुछ मार्क सा करना है, चिमटी से नहीं करना है। वैसे मैंने इस तरह किया, स्क्रैच नहीं किया, आप देख सकते हो, मतलब पॉइंट आपके अक्सर डैमेज हो जाएगा। फिर क्या करना है, एक जंपर अपने लिए जितना भी बारीक जंपर हो अच्छा होगा। ओके, उसको थोड़ा सा स्क्रैच करना है, थोड़ा सा स्क्रैच करना है, ज़्यादा नहीं। ये थोड़ा सा मैं इसको स्क्रैच कर रहा हूँ। ओके, या शोल्डर से जो साइड पर लगी हुई है इसे स्क्रैच कर रहा हूँ। और ये जो जंपर है ये मैंने जो टाइम पीस आते हैं उसके अंदर एक मशीनरी होती है, उससे जो है ना उस मशीनरी के अंदर से मैंने ये वायर निकाली हुई है, बहुत बारीक सा वायर है। और आप हैंड पीस से भी वायर निकाल सकते हो, आम जंपर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे जो है ना मोटे जंपर से नुकसान हो सकता है आगे पॉइंटों का। तो सैंपल सा थोड़ा सा प्लग्स आपने आईसी के ऊपर डालना है। ओके, थोड़ा सा प्लग्स, ये प्लग्स हमने यहाँ पे डाल लिया ताकि आईसी को नुकसान ना हो, बगैर रिस्क ये काम आप कर सकते हो। जंपर को इस तरह जो हमने स्क्रैच किया हुआ है चिमटी से इस तरह पकड़ना है। ओके, जो चिमटी वगैरह हम यूज़ करें आपको दिखाएंगे हम, थोड़ा सा आईसी हिट हो जाए तो इस तरह चिमटी के ज़रिए आपने इसको इंसर्ट करना है। ओके, उंगली से करोगे तो आपकी उंगली जलने का ख़तरा होता है या ज़्यादा जो है ना आगे जाने का ख़तरा होता है। चिमटी से आप पकड़ोगे तो आप आसानी से इस तरह, ये देखो मैंने इंसर्ट कर दिया, थोड़ी देर बाद आपने छोड़ना है। ये देखो जो जंपर अंदर अंदर ही अंदर जो है ना इसके वो पॉइंट के साथ कनेक्ट हो गई। फिर जल्दी आपने छोड़ना नहीं है, कुछ सेकंड वेट करना है, जिस तरह वीडियो में मैंने कुछ सेकंड वेट की। ओके, जो चिमटी वगैरह मैं यूज़ कर रहा हूँ लास्ट में इसके जो है ना वो रेट और पिक्चर में ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि ये टूल्स का चैनल है तो इस पर जो है ना आपको दिखाएंगे जो अच्छी टूल है जो हम खुद यूज़ करते हैं या इससे भी अच्छी है तो आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे रेट के साथ प्राइस के साथ। अभी ये पॉइंट ऑलरेडी किसी ने स्क्रैच किया हुआ है तो आगे जो है ना बड़े जंपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्क्रैच ना होता तो भी हम स्क्रैच करके यहाँ से कनेक्ट करते हैं, वहाँ पे हमने थोड़ा शोल्डर लगा लिया। अभी ये पॉइंट सैंपल सा यहाँ से कनेक्ट करना है। तो ये एक ही जंपर है, सैंपल सा है, इसका कस्टमर से आप 300-400 रुपये ईजिली ले सकते हो, क्योंकि अक्सर शॉप वाले ये नहीं करते, वो कह रहे हैं कि आईसी का मसला है, नई आईसी की उठाने की ज़रूरत है, नई रिबाल करने की। इस तरह आईसी के नीचे आप 3-4 जंपर भी लगा सकते हो, इसका भी तरीका है, हमारे दूसरे चैनल पे मैंने दी हुई है, वो आप जाके वहाँ पे वीडियोस लिस्ट में देख सकते हो। ये जंपर हमने यहाँ से कनेक्ट की। ओके, तो अभी इसको थोड़ा क्लीन करेंगे और पीसीबी में फिट करके चेक करेंगे, थोड़ा माइक्रोस्कोप में आपको दिखा दे। देखो जंपर सेम वही जगह से उस पॉइंट से जो है ना हमने ले लिया। ओके, तो ये चिमटी से आप करोगे तो आपके लिए आसानी होगी, ये देख सकते हो बिल्कुल उस पॉइंट से आसपास पॉइंट से जो है ना ये कनेक्ट नहीं हुआ। चिमटी से लगाओगे फायदा ये होगा कि बहुत ज़्यादा आगे जो है ना इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंट से आगे आईसी के अंदर और पॉइंट है उससे टच होगा तभी मसला बनेगा, और की भी काम छोड़ेंगे।
और साइड की से टच होगा तो फिर भी जो है ना आपका मसला हल नहीं होगा, फिर आपको ऐसी उठा के रिपेल करनी पड़ेगी। तो ये सिंपल सा ट्रिक है, चिमटी से पकड़ोगे आपके जो है ना हाथ भी नहीं जलेंगे और बारीक वायर यूज़ करोगे तो आगे और पॉइंट को नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि मोटा वायर आप यूज़ करोगे तो वो ऐसी थोड़ी ऊपर हो जाएगी तो साइड वाले पॉइंट जो है ना वो फिर थोड़ी देर बाद कुछ दिन बाद वो भी जो है ना ऊपर हो जाएंगे, फिर उसके नीचे भी जंपर लगाना पड़ेगा। और इस चैनल पे इस तरह छोटे छोटे ट्रिक मैं अपलोड करता रहूँगा इंशाल्लाह, डेली हिसाब से कोशिश करेंगे जब भी टाइम मिलेगा। तो इसको लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है, बहुत सारे फ़ायदा आपको इंशाल्लाह इस चैनल से मिलने वाला है और बेस्ट रिव्यू भी हम देंगे बेस्ट टूल्स की, वो भी आप स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद। तो ये अभी वो जंपर हमने लगा लिया, अभी थोड़ा जो है कूल हो गया पीसी भी, अभी इसको चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे पहले चूँकि रेडिंग नहीं थी वो रेडिंग भी अभी चेक करेंगे। यहाँ पे अभी जो जिस पॉइंट से पीछे के जो है ना ये लाइन कनेक्ट है हमारा, उस पर अभी रेडिंग चेक करेंगे दोबारा। यहाँ पे पहले रेडिंग नहीं आ रही थी, वैल्यू नहीं आ रही थी, अभी देखो बराबर इसकी वैल्यू आ रही है। ओके 300 से 400 तक वैल्यू आनी चाहिए, वो बराबर आ रही है। तो अभी इसको चेक कर लेते हैं और इसके ऊपर फिर मैं यू मार्क्स यू लाइट अप्लाई करूँगा। यू मार्क्स यू लाइट भी हमारे पास अवेलेबल है और होल सेल रेट पे, तो जिस शादी ऊँचाई ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है बुकिंग कर सकते हो आप। तो अभी इसको ऑन करके देख लेते हैं। ओके तो ये सिंपल से ट्रिक है, लेकिन आप इससे बहुत ज़्यादा कमाई कर सकते हो और टाइम अपना बचा सकते हो, अपने कस्टमर ज़्यादा कर सकते हो। ये छोटे छोटे ट्रिक इंशाल्लाह इस चैनल पर आएंगे, बहुत आएंगे। और दूसरा चैनल भी हमारा रहेगा, उस पर हम थोड़े जो है ना वो कुछ लेटेस्ट जो है ना वो मसले हो मोबाइल के या इस तरह कुछ डीप मसले हो तो वो हम शेयर करेंगे। ओके और ये देखो ये बटन अभी बराबर काम कर रहे हैं। ओके ये डाउन और ये लेफ़्ट और अप ये सभी काम कर रहे हैं अभी बराबर। और ये देखो कॉल वाला बटन, ये लाइन हमारा मतलब क्लियर हो गया। ओके अल्हम्दुलिल्लाह ये सही हो गया। तो इसी तरह आप इजीली कर सकते हो। ये जो कारीगर हमारे पास सेंड किया है इसने वो भी अच्छा करिए, पर आईसी के नीचे वो कह रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसमें टाइम कितना लगता है कुल मिला के इसके 10 मिनट भी जो है ना वो नहीं लगते। तो ये इसका मसला अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया। तो अपने भी इस तरह करना है और उम्मीद है आप साथ ही समझ गए होंगे। और जो टूल्स मैंने यूज़ किए इसके मैं अभी जो है ना वो पिक्चर प्राइस के साथ ऐड कर लेता हूँ। ओके तो ये जो मैं पैड यूज़ कर रहा हूँ ये वो बड़े वाला पैड है, इसमें जो है ना ये सभी चीज़ें आप रख सकते हो जो यहाँ पिक्चर में दिए हुए, प्राइस भी दिया हुआ है साथ में। और ये चिमटी और ये मैकेनिक वाले शोल्डर ये मैंने इस वीडियो में यूज़ किए, आगे भी इंशाल्लाह इस तरह टूल्स के वो प्राइस बताएँगे।